सो हे व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज अश्रित एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के लाइक टॉप 5 कॉलेजेस, मान लो जो मेरे को लगते हैं। मैंने सारी चीजें कंसीडर की, सिर्फ रैंकिंग नहीं या फिर सिर्फ मैंने मतलब एजुकेशन नहीं, लाइक एकेडमिक्स नहीं, सारी चीजें को करिकुलर एक्टिविटीज हो गई एंड जितने भी एस्पेक्ट जो जरूरी है कॉलेज लाइफ के लिए सारे कवर किए हैं। एंड मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, देखो मेरे को जितना पता है DU के बारे में सबको पता है, बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में एक तो वीडियोस है नहीं और लोगों को पता नहीं कि उसके अंदर भी कोई टॉप कॉलेजेस जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज के बराबर है या फिर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाइक NMIIM सिंबायसिस के लाइक कॉम्पिटिशन में है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है DU या फिर NMIIM सिंबायसिस तो ये कॉलेजेस लाइक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट बता रहा हूँ। इवन ये DU के लाइक टॉप 5 कॉलेजेस के बाद ही आ सकते हैं एंड इनकी जो फीस वगैरह बिल्कुल DU से भी कम है। लाइक मैं भी फीस आपको पूरी डिस्कस करूंगा कॉलेजेस की, 5,000-10,000 पर ईयर, तो लोगों को पता ही नहीं होती ना इसलिए। लेकिन मैंने तो काफी ज्यादा रिसर्च की थी मुंबई के लाइक मुंबई कॉलेजेस के बारे में, तो मेरे को पूरी डिटेल है कि मेठी भाई हो गया फिर अभी जितने भी कॉलेज बताऊंगा कैसे हैं कैसे नहीं। और अब मेरा कॉलेज भी लाइक मुंबई में है, NMIIM मुंबई, तो उसके सारे कॉलेज जो मैं बता रहा हूँ आस पास के, तो मेरे को अच्छे से सारी नॉलेज मिल चुकी है कि उधर फेस्ट कैसे होते हैं, उधर कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसे, स्पोर्ट्स कैसा है, उधर की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे, क्राउड कैसा है। तो बस यही सब चीजें डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो में। देखो तीन चीजों के बारे में लाइक मेनली डिस्कस करूंगा एस्पेक्ट के ऊपर। एक तो फीस हो गया, ठीक है, फीस हो गया एंड फिर कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लूंगा थोड़ा, एंड फिर एक जनरल चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा एक पॉइंट में, जैसे क्राउड हो गया, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसे, फेस्ट क्लब्स वगैरह क्या है कॉलेज में। तो या बाकी इन कॉलेजेस के लाइक जो कॉलेज बता रहा हूँ उनके डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, उसके बाद मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। और मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का लाइक पूरा एडमिशन प्रोसीजर भी चलेगा उसमें भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। DU के रिलेटेड तो ऑब्वियसली मैं बनाने वाला हूँ एंड अभी NMIIM सिंबायसिस भी लाइक मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाता रहूंगा जितनी जरूरी होगी। एंड हैंड सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात जो बताने की, मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ, व्लॉग स्टार्ट मतलब कि मैं स्टूडेंट व्लॉग्स वगैरह एंड जो भी ट्रैवल व्लॉग्स जैसे लद्दाख कश्मीर का तो उनका तो डालूंगा, फिर स्टूडेंट व्लॉग्स लाइक रूटीन वगैरह के व्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ एंड बाकी सेल्फ डेवलपमेंट वगैरह कॉन्टेंट तो आने वाले, जैसे फाइनेंस वगैरह आपको कैसे करने, स्टूडेंट हो तो कैसे पैसे कमाने कैसे नहीं, एंड थोड़ा मोटिवेशनल कॉन्टेंट आएगा जिससे आप चेयरफुल रहो, जो मेरे लाइक एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। तो यार बहुत मजा आने वाला है, तो आप अगर चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ, किसी भी कोर्स से किसी भी स्ट्रीम से अभी सब्सक्राइब कर लो। एंड या कुछ भी डाउट हो वीडियो के एंड तक तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, ठीक है, फॉलो भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके सो स्टार्टिंग विद, ये देखो ये जो टॉप 5 कॉलेज है इरिस्पेक्टिव ऑफ रैंकिंग बता रहा हूँ भी, मतलब एक टॉप 5 कॉलेज है ऑलमोस्ट सेम स्टैंड करते हैं, तब भी इसमें से मैं तीन कॉलेजेस के नाम जो स्टार्टिंग के लूंगा वो बेस्ट रहेंगे, बाकी दो इनसे थोड़े पीछे रहेंगे, स्टार्टिंग की तीन लेकिन इक्वल मान लेना थोड़े, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद मैं बात कर रहा हूँ मिठी भाई कॉलेज की, इसको मैं पहले मिथी भाई बुलाता था क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मेरे को मुंबई का लाइक पता नहीं मतलब क्या बोलते हैं, तो मैं मिथी भाई बुलाता था। तो मेरे को मुंबई अभी जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे को बताया जितने मुंबई के लोग थे, ऐसे कहा जाता है मिठी भाई कॉलेज कहा जाता है एंड ये इंडिया के लिए टॉप मोस्ट कॉलेज में आता है, मतलब मान लो BCom के लिए टॉप मोस्ट कॉलेज में आता है, कॉमर्स के लिए BMS के लिए टॉप को मोस्ट कॉलेज में आते हैं और जो मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन कोर्स है उसके लिए भी, ठीक है। तो इसकी मैं थोड़ी फीस स्ट्रक्चर वगैरह की बात कर लेता हूँ पहले। ओके सो अब मैं अगर फीस की बात करूँ तो कुछ देखो सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्सेज की फीस की बात करूँ, जैसे BMM हो गया, तो BMM की इसकी टोटल फीस है 50,000 है 3 ईयर्स के लिए, देखो टोटल फीस है, पर ईयर फीस नहीं है, 3 ईयर की फीस है 50,000। इसमें जो BMM की सीट्स है वो 60 सीट्स है। बाकी BCom की बात करूँ, BCom की टोटल फीस है 15,000 पर, मतलब 15,000 फॉर ऑल द 3 ईयर्स मिला के। तो BCom की तो लाइक क्रेजी इतनी कम फीस है, बाकी BCom में स्पेशलाइजेशन होती है जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वगैरह, फाइनेंशियल मार्केट हो गई तो उनकी फीस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो जनरल BCom की 15,000 है, तो जितने भी कोर्सेज BCom उनकी फीस रेंज करती है 15,000 से लेके 53,000 है फॉर ओवरऑल 3 ईयर्स, ठीक है। एंड इसके BCom की टोटल सीट 1,000+ है, मतलब 1,000+ है, तो काफी अच्छे चांसेस है। एंड अब मैं बात करूँ BA के लिए, BA की टोटल फीस 6,500 से लेके आपकी 14,000 तक होती है एंड इसमें दो कोर्सेज है, BMS स्पेशलाइजेशन मिलती है, इसकी टोटल सीट 360 सीट्स है, ठीक है। तो BA की तो बहुत ज्यादा कम फीस है। एंड फिर मैं बात कर लूँ BMS की, तो BMS की टोटल फीस है 49,000 लाइक अराउंड, तो 50,000 मान लो अप्रोक्स 3 ईयर्स के लिए आपकी, और उसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 120 सीट्स है। एंड या मतलब ये जो जितने पॉपुलर कोर्स थे उनकी फीस और सीट्स थी, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको जितने भी कोर्स
है, जितने प्रोवाइड मिट्टी भाई करता है उसकी कितनी फीस है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन जो मैंने पॉपुलर कोर्स और उनकी सीट्स, उनकी फीस डिस्कस कर ली। ओके, तो अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसकी मतलब कट ऑफ के बारे में। देखो मिट्टी भाई ने बताया था इसमें रिजर्वेशन भी काफी होता है, लाइक फॉर गुजराती माइनॉरिटी के लिए होता है, एंड रिजर्वेशन वगैरह रिजर्व रहते हैं उनके इन हाउस स्टूडेंट्स के, रिजर्व होते हैं जिन्हें लाइक 11 12th मिट्टी भाई से किए। देखो जो लोग मुंबई से, इन्होंने बता दूं जूनियर कॉलेज होता है मुंबई में, ठीक है, उनमें मतलब स्कूल नहीं होता हमारे लाइक नॉर्थ साइड के, उनमें जूनियर कॉलेज होता है। तो मिट्टी भाई और जितने भी कॉलेज अभी बताऊंगा वो जूनियर कॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं 11 12th जो की होती है, तो उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी थोड़ी सीट रिजर्व रहती है, बाकी बची सीट हम जैसे जनरल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है, ठीक है। एंड अब मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूँ वो सारी जनरल कैटेगरी के लिए, तो मतलब और जितनी भी कैटेगरी है उनके लिए तो सिलेक्शन हो ही जाना है इतने कट ऑफ में। जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बीकॉम की कट ऑफ डिस्कस कर लूँ तो इसका राउंड वन की जो कट ऑफ थी बीकॉम की 91.4 निकली थी, एंड इसकी जो क्लोजिंग कट ऑफ थी लाइक राउंड थ्री तक बीकॉम की जब तक सीट बची थी वो कट ऑफ थी 86.80 कट ऑफ थी। तो मतलब बीकॉम की सीट लाइक 86 पे क्लोज हो गई थी। बीएमएस की बात करूं, बीएमएस की कट ऑफ यूजुअली काफी ज्यादा हाई रहती है। बीएमएस की राउंड वन की कट ऑफ जो थी लास्ट ईयर वो थी 93.2 थी, एंड इसकी बीएमएस की लाइक क्लोजिंग कट ऑफ थी 88.46 थी क्लोजिंग कट ऑफ बीएमएस के लिए। एंड फिर बीएमएम की बात करूं, बीएमएम की ओपनिंग कट ऑफ 91.6 थी और क्लोजिंग कट ऑफ 87.2 थी। एंड फिर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो बीकॉम ऑनर्स की जो स्टार्टिंग कट ऑफ थी 94.2 थी और क्लोजिंग कट ऑफ 88 थी। बाकी बीकॉम में कुछ स्पेशलाइजेशन जैसे बीकॉम इन फाइनेंशियल मार्केट, बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वगैरह, एंड बीएससी की जितने भी कट ऑफ वगैरह, एक लिंक फिर से एक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आपको सारी कट ऑफ लाइक जितने भी कोर्स उसकी कट ऑफ एंड उनकी क्लोजिंग क्या थी स्टार्टिंग कट ऑफ को मिल जाएगी। उसमें बस जो आपको लिंक दूंगा उसमें बीएमएस की कट ऑफ गलत प्रोवाइड की गई है, बीएमएस की हाई है कट ऑफ जो उसमें दी है वो गलत है, इसलिए मैंने आपको सही बता दी। ओके, अब थोड़ा जनरल वर्डिक्ट देना चाहूंगा। देखो मैं टू बी ऑनेस्ट इस कॉलेज में जाने का प्लान कर रहा था, क्यों बताता हूं। देखो मेरे को मुंबई जाना, तो मैंने आपको काफी वीडियो बताया था, एंड एक और चीज थी कि मेरे को लाइक मुंबई का एक्सपीरियंस चाहिए था एक थोड़ा, एंड ऊपर से फाइनेंशियल लाइक कैपिटल माना जाता है इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए था। एंड एक और चीज थी कि अगर मेरे को एनएमआईएमएस नहीं मिलता तो देखो आप ऑप्शन मेरे पास सिम्बायसिस होता, सिम्बायसिस चले जाता, लेकिन मैं अगर कंसीडर करता थोड़ा कि मेरे को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज करना है जिसकी फीस कम हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन मेरे को दिख रहा था। क्योंकि डीयू के देखो मेरे को टॉप फाइव कॉलेज नहीं मिल रहे, मेरे ट्वेल्थ में जो परसेंटेज बन रही थी टोटल मिला के वो 93 बन रही थी, उसमें डीयू के टॉप फाइव नहीं मिल रहे थे, लेकिन मेरे को मुंबई यूनिवर्सिटी के सारे टॉप कॉलेज मिल सकते थे, बीएमएस के लिए, बीकॉम के लिए सब मिल सकते थे, मिट्टी भाई हो गया या फिर जो बताने वाला हूं, ठीक है, आगे जाके तो मिल सकते थे, तो मैं कंसीडर कर रहा था, लेकिन फिर एनएमआईएमएस मिल गया मेरे को, ठीक था, वो सब सॉर्टेड सीन हो गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, बता रहा हूँ जिनकी लाइक एक तो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी प्रॉब्लम है, बहुत तगड़ा ऑप्शन है, इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड जिनका मतलब डीयू के टॉप फाइव जैसे एसआरसीसी, श्री वेंकटेश्वर वगैरह में नहीं हो रहा है, एंड जिनके एनएमआईएमएस वगैरह में भी नहीं हुआ, तो वो इसे कंसिडर करो, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बता रहा हूँ। अभी भी समझ नहीं रहोगे, लेकिन आप पूरी रिसर्च करना इसके ऊपर, आप लाइक क्रेजी सीन है इधर। एंड अब थोड़ी मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करूं तो मिट्टी भाई की, तो मिट्टी भाई देखो जितने भी कॉलेज मैं बताने वाला हूँ मिट्टी भाई को फर्स्ट मतलब सबसे पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज्यादा तगड़ी है, मतलब नेक्स्ट लेवल एनएमआईएमएस से भी बहुत ज्यादा आगे है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। इनका कॉलेज फेस्ट लाइक क्षेत्र जिनके कॉलेज फेस्ट का नाम है टॉप मोस्ट है लाइक इंडिया में माना जाता है, तो बहुत ज्यादा क्रेजी सीन होते हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप हो जिसको पूरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, कॉलेज फेस्ट में इन्वॉल्व रहने, कॉलेज सोसाइटीज में इन्वॉल्व रहने, मैं बोलूंगा मिट्टी भाई बेस्ट ऑप्शन है। ये सिर्फ एजुकेशन लाइक एकेडमिक्स के अलावा इस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। एक डिसएडवांटेज बताना चाहूंगा, अटेंडेंस इसके एनएमआईएमएस की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये एग्जाम में सच्ची में नहीं बैठने देते हैं। जैसे इनकी 75% क्राइटेरिया है, आपकी 75 नहीं है, लिटरली लोगों ने स्टूडेंट्स को नहीं बैठने दिया, फिर केस वेस हुए तब भी उनको नहीं बैठने दिया। तो अटेंडेंस अगर आपको मतलब कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो आप अटेंडेंस अगर सोच रहे हो कंप्लीट लाइक मुझसे नहीं हो गए तो शायद आप इस कॉलेज को कंसिडर नहीं करो, ठीक है, फिर आप और कोई कॉलेज का ऑप्शन देख लो। एक और चीज बताना चाहूंगा एलुमनाई के बारे में बताना चाहूंगा, जिसको आप सुन के आप मजा आ गया। तो इनकी जो एलुमनाई रही है वो अजय देवगन, करीना कपूर, एकता कपूर, बोमन ईरानी, रवीना टंडन, वत्सल सेठ, ईशा दियोल, शाहिद कपूर, श्रेयस तापड़े, काजोल, जुबी नौटियाल, आशुतोष ग्वारेकर एंड राहुल वैद्य, बॉबी दियोल, रानी मुखर्जी, राखी सावंत, राहुल शर्मा, अन्नू मलिक, भाई साहब करण और भी हैं, करण पटेल है, दृष्टि धामी है, सुकृति कक्कर, सनी दियोल,
तो ये इनके हैं एलुमनाई रह चुके हैं, तो ये ऐसी टॉप मोस्ट कॉलेज नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा क्या ऑलमोस्ट जो भी आपको स्टार्स दिखते हैं टीवी में आपके लाइक फिल्म्स में दिखते हैं या फिर टीवी स्क्रीन पे दिखते हैं सार, उसमें से काफी ज्यादा स्टार इसमें से पड़े हुए हैं। स्पेशली कुछ कुछ स्टार्स अजय देवगन, काजोल, करीना कपूर, शाहिद कपूर, वो भी इधर से ही पड़े हैं। तो अगर आपको जाने की फील चाहिए सेलिब्रिटी का कॉलेज कैसे होता है, उन्होंने कैसे क्या किया था, तो आप कंसीडर कर सकते हो। और आपको जिन लोग मुंबई का सच्ची में ये मैं उनको कुछ एक्टिंग फील्ड में जाना है बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ये बहुत अच्छा कॉलेज ऑप्शन रहेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा एंड आपके कॉन्टैक्ट वगैरह भी बन सकते हैं अच्छे। ओके सो अब मैं बात कर लूँ सेकेंड पे, वो है नारसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। सुनो सुनो, NMIMS अलग है एंड ये इसे कहा जाता है NM कॉलेज। एक NMIMS होता है, NM कॉलेज कहा जाता है, ये भी इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज में काउंट होता है ये, लेकिन मुंबई मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ऑटोनॉमस से, इसे ऑटोनॉमस भी स्टेटस दिया, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है ये एंड ये भी इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज में माना जाता है। इसकी मैं कोर्सेज की बात कर लूँ तो ये BMS प्रोवाइड करता है, BMS की फीस है 46,000 फॉर 3 years। BCOM प्रोवाइड करता है, BCOM में इसके लिए फीस है 13,000 से लेकर 15,000 डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलाइजेशन। नॉर्मल BCOM है, BCOM ऑनर्स या फिर जो भी और जितने भी स्पेशलाइजेशन है एंड या बाकी BSc है, BSc में लाइक इसकी फीस है 67,000 एंड बस मतलब और भी मतलब बहुत सारे कोर्सेज है सेम। ये मेन कोर्सेज की बात कर ली, बाकी जितने भी कोर्सेज के आपको फीस वगैरह चाहिए उसका एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप देख लेना। ओके सो अब मैं बात करूं इसके कट ऑफ पे, तो देखो मैं एक जनरल कट ऑफ बताता हूं जो मैंने ले अपने एडमिशन के टाइम लास्ट ईयर मैंने 5-6 साल की कट ऑफ सारे कॉलेज की एनालाइज की थी, तो मैं वो बताने वाला हूँ। जरूरी नहीं कि लास्ट ईयर अभी 2020 की जितनी कट ऑफ थी वो सटीक बता रहा हूँ, लेकिन जो हर ईयर होती है वो एनालाइज जो प्रॉपर है वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखो NM जो कॉलेज बता रहा हूँ इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है जितने भी कॉलेज में से, मिट्टी भाई से भी ज्यादा जाती है। तो इसकी BMS की बात कर लूँ, BMS की कट ऑफ लाइक ओपन होती है 97-95 ऐसे ओपन होती है एंड BMS की जो क्लोजिंग कट ऑफ जाती है वो 92 पे बंद हो जाते हैं, 91-92 पे जनरली बंद हो जाते हैं, फिर चांसेस बहुत कम होते हैं लोगों के इधर सिलेक्शन के लिए। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि इसमें बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 5 लगता है, जितने भी आपके टोटल सब्जेक्ट है इरिस्पेक्टिव आपका एडिशनल है कुछ भी है उस सारे सब्जेक्ट के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे जितने भी कॉलेज है। मुंबई यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में यही रूल है, DU की तरह नहीं है। तो या BCOM की बात करूं तो इसकी BCOM की भी कट ऑफ 90-89 पे क्लोज हो जाती है, जनरली ओपन होती है 95-94 ऐसे ओपन होती है एंड ये मुंबई में बहुत ज्यादा फेमस कॉलेज है, मुंबई यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज है माना जाता है, मिठी भाई से भी ज्यादा लोग इधर एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि इसकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी है, रेपुटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह की बात कर लूं उसमें भी बहुत ज्यादा टॉप में माना जाता है। इसका जो फेस्ट है उमंग वो भी बहुत बड़ा लाइक फेस्ट है, क्षितिज था मेटी भाई का, ये भी बहुत अच्छा फेस्ट माना जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगेन इसमें भी सेम डिसएडवांटेज है मेटी भाई की तरह अटेंडेंस का, अटेंडेंस 75% चाहिए तो चाहिए। एक ना मुंबई में उसमें एक SVKM करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जिसके अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं उनमें अटेंडेंस का बहुत तगड़ा सीन मतलब चाहिए ही चाहिए, उसमें NMIMS भी आता है, NM भी आता है, मिठी भाई सारे कॉलेज आते हैं, तो अटेंडेंस का आपको देखना पड़ेगा, आपको मतलब सारी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, नहीं कर पाए तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, आपकी बैकलॉग आएगी, फिर सेमेस्टर रिपीट होगा, ईयर रिपीट होगा। तो या आई होप आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। थर्ड पे आता है HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स आता है। इसकी कोर्सेज फीस की बात करें तो कोर्स वगैरह सेम रहते हैं और फीस भी ऑलमोस्ट ये बेटी भाई एनएम वगैरह की सेम रहती है, तो जितनी मैंने बताई 15,000 BCOM के लिए, 16,000 BMS के लिए, थोड़ी ज्यादा होगी 45,000 से 50,000, तो फीस ऐसी रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कॉलेज का भी और जितने भी कॉलेज है उन सबके हर कोर्स की हर फीस का और कितनी सीट्स है उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। कट ऑफ की बात कर लो, HR की कट ऑफ ज्यादा जाती है, लाइक मैं कट ऑफ के बारे में बताऊँ NM की ज्यादा जाती है सबसे ज्यादा, फिर HR की जाती है, मिटी भाई की कम रहती है, तो कोई एक ऐसा स्टूडेंट थोड़ा एवरेज है लाइक जिसका 87-88 आ रहे हैं कट लाइक मार्क्स आ रहे हैं तो वो मिटी भाई कंसिडर कर सकते हैं, उसमें आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा एंड वो टॉप कॉलेज भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर भी सब कुछ है, तो मिक्स कॉलेज है मिटी भाई, परफेक्ट है, इसलिए बता रहा था। HR की बात करूँ, HR मतलब बहुत ज्यादा एकेडमिक लाइक ओरिएंटेड है, थोड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पीछे है एज कम्पेयर टू अपना मिटी भाई या फिर NM के मुकाबले थोड़ा पीछे रहता है एंड इसकी कट ऑफ तो जैसे मैंने बता दिया एंड क्या, हाँ अटेंडेंस खुशी वाली बात है, जिनको अटेंडेंस का मतलब सीन नहीं चाहिए, मतलब कोई प्रॉब्लम इशू नहीं चाहिए, जो CA वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज के लिए लाइक CA हो गया या फिर CFA वगैरह के लिए, उनको चाहिए कि नहीं हमें तो अपना टाइम चाहिए, अटेंडेंस की चुन नहीं है, मतलब अटेंडेंस का इशू नहीं चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स में। कोई अटेंडेंस का सीन है जनरली बता रहा हूँ, कोई अटेंडेंस का मतलब कोई इशू नहीं होगा, आप जा सकते हो आराम से, अटेंडेंस वगैरह ज्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है, सिर्फ इतनी होनी चाहिए 40-50% जिस मतलब ठीक है, थोड़ी शक्ल जानते हो, टीचर्स आपकी शक्ल जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो या तो बस
फोर्थ पे आएगा जय हिंद कॉलेज। जय हिंद कॉलेज भी टॉप कॉलेज माना जाता है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर। इसमें भी फीस वगैरह मैंने बोला सेम रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसकी। अब मैं थोड़ी डिटेल कट ऑफ वगैरह की बताऊं तो कट ऑफ इसकी मिट्टी भाई जैसी रहती है, मतलब एचआर और अपने एनएम से कम रहती है, थोड़ा एवरेज स्टूडेंट भी एडमिशन मतलब हो जाए उसका भी ऐसा सीन है। तो जय हिंद भी एक अच्छा ऑप्शन है एंड जय हिंद मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में एवरेज है, लाइक मिट्टी भाई एनएम से थोड़ा नीचे एचआर से ऊपर ऐसा है। उनके फेस्ट वेस्ट भी अच्छे माने जाते हैं लेकिन अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जितना भी मिट्टी भाई या फिर एनएम वालों के हैं फेस्ट वगैरह और क्लब्स वगैरह, ठीक है। तो या मतलब लेकिन जय हिंद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जितने भी देख मैंने मीठी भाई की बात कर ली, एनएम की बात कर ली, एचआर में थोड़े एलुमनाई इतने ज्यादा मतलब हैं अच्छे लेकिन इतने थोड़े कम हैं। जय हिंद के भी एलुमनाई बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मतलब सारे स्टार सेलिब्रिटी सारे इन्हीं कॉलेजों से पढ़े हैं। तो या बहुत सारे अच्छे ऑप्शन आपको मतलब मुंबई में भी मिल जाएंगे मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर। तो जय हिंद मैं वही बोल रहा था बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप कंसीडर कर सकते हो इसे भी। इसकी कट ऑफ मैं बात कर लूँ तो कितनी जाती है इसकी, 85 तक जाती है कट ऑफ बीकॉम के लिए, नॉर्मल बीकॉम के लिए 86 चली जाती कभी कभार, एक साल 2019 की बात कर लूँ तो 81 तक भी चली गई थी। तो यार डिपेंड करता है वो क्या किस ईयर कितने अच्छे मार्क्स आते हैं और इन जितने भी कोर्सेज के रिजल्ट ना थोड़े एचएससी के रिजल्ट पे बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जो आपका महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट आएगा ना उसके अकॉर्डिंगली होगा, आप चाहे सीबीएसई से हो चाहे आईसीएससी से हो, लेकिन आईएससी मतलब 12th बोला जाता है या, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चीजें मैटर एचएससी के लाइक रिजल्ट की करेगी, उसके बेसिस पे कट ऑफ निकलती है, ठीक है। तो इसमें मतलब वही रहता है, कभी कभार सीबीएसई के लोग एडवांटेज में भी रहते हैं जनरली, क्योंकि एचएससी का रिजल्ट टफ आ जाता है, सीबीएसई के मार्क्स ज्यादा आते हैं उधर कट ऑफ कम हो जाएगी, समझ रहे हो। तो या ओके सो फिफ्थ कॉलेज आर्यपुरा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, लाइक एफिलिएटेड वगैरह है जो भी। एंड इसकी बात कर लूँ तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें भी कोर्सेज वगैरह सारे सेम लाइक बीकॉम बीबीए बीबीए नहीं बीएमएस होता है, पर मैंने बताया कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में बीएमएस कहा जाता है जनरली, प्राइवेट में बीबीए कहा जाता है, ज्यादा चेंजेस नहीं होते कोर्सेज में, ठीक है। एंड या मतलब इसमें भी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ इसकी 90-91 के अराउंड जाती है, इसकी मिट्टी बाई जय हिंद से थोड़ी ज्यादा कट ऑफ रहती है एंड एचआर और एनएम से थोड़ी कम रहती है, बीच में आता है। एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करूँ तो ये थोड़ा पीछे है, मतलब इतनी ज्यादा भी इतने अच्छे एक्स्ट्रा करिकुलर इसके नहीं है जितना मेरे को मतलब पता चला है, फेस्ट वगैरह एवरेज ही है इसका। एलुमनाई भी इतने खास नहीं जितने मिट्टी बाई एनएम या जय हिंद के हैं। तो ये आप ऐसा ऑप्शन है लाइक लास्ट ऑप्शन थोड़ा कंसीडर कर सकते हो, अगर आपका मिट्टी बाई वगैरह किसी में नहीं हो रहा है लाइक जो फर्स्ट फोर कॉलेज थे, तो इसमें आप आने का सोच सकते हो। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीस और कोर्सेज का दे दूंगा एंड कट ऑफ का भी अगर मेरे को इसका मिलेगा, वैसे मिल नहीं रहा था मेरे को कट ऑफ का, मिलेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस गाइज यही थी वीडियो, है वो आपके लिए यूजफुल होगी इन्फॉर्मेटिव होगी है तो प्लीज लाइक कर देना। इन जितने भी कॉलेज को मैंने अभी ऊपर ऊपर से कवर किया है, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की ये कॉलेज वर्थ इट है, टॉप में आते हैं, आप कंसीडर कर सकते हो। अगर इनके बारे में पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो कि किस कॉलेज के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगा। एंड बाकी मुंबई यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर वगैरह थोड़ा मैं कवर करता रहूंगा, जितना भी इंपॉर्टेंट जितने भी टॉप कॉलेज उनके बारे में कट ऑफ वगैरह क्या आ रही है कैसा सब फॉर्म वगैरह कैसी ना वो भी डिस्कस करता रहूंगा। सेंट जेवियर को कंसीडर नहीं किया, देखो सेंट जेवियर को मैंने कंसीडर नहीं किया तो ये मत बोलना भैया सेंट जेवियर को नहीं किया ये वो, ठीक है। सेंट जेवियर को कंसीडर नहीं, सेंट जेवियर के अलग से बहुत वीडियो बना रखी है, बना रहा हूँ। तो इफ यू न्यू टू चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ, मैं ऐसे कॉलेज एंट्रेंसेस कॉलेज लाइफ सेल्फ डेवलपमेंट मोटिवेशन ब्लॉग्स लाने वाला हूँ, स्टूडेंट ब्लॉग ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह बहुत तगड़ा कंटेंट आने वाला है, तो अभी सब्सक्राइब कर लो। एंड या कुछ भी डाउट वोट है मतलब कुछ भी डाउट वोट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, तो मुझे फॉलो भी कर देना, ठीक है। तो बस चलिए मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में, सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी स्टे सेफ।